इस गद्दी के चक्कर ने ये संवाद करेगा, मैं बीच में बोलूंगा फिर क्या समय हो गया। बहुत बढ़िया रचना है। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की। कवि कहता है गद्दी के चक्कर में भारत की हालत गारत हुई, तो सामने बैठे हुए पॉलिटिशियन कई बार समझते हैं हम 75 वर्ष की राजनीति की बात कर रहे हैं। दोस्तों 75 वर्ष की राजनीति की बात नहीं है। गौरी आया, गजनबी आया, फ्रांसीसी आया, शक आए, हूण आए, चंगेज आए, पुर्तगाली आए, किस किस ने 2000 वर्ष में गद्दी के चक्कर में सोने की चिड़िया के पंख नोचने की कोशिशें नहीं की। 2000 साल में भारत अनेक बार लूटा, अनेक बार पिटा, लेकिन मिटा नहीं, क्योंकि हमारी बाहर की ताकत जितनी मजबूत है, भीतर की ताकत उससे 1000 गुना मजबूत। वाह। निवेदन करता हूं और ये रचना मैं अपने बड़े भाई दिनेश रघुवंशी को सौंपता हूं, जो दौरे हाजिर के बड़े कलमकार हैं। अब सीधे सीधे सुनाऊंगा, बस जुड़कर सुनिएगा और हाथ खोलकर थोड़ी देर मेरे साथ बैठिएगा। राजेश बाबू, इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। क्या बात है, वाह वाह वाह। अर्जुन ने मांगा नहीं था राजेश भैया, उन्होंने कहा सामने बैठा है पहले ये मांगेगा, तू सिराने तू बाद में मांगेगा। अर्जुन को, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था। मॉनिटर की थोड़ी सी आवाज और बढ़ाना, बहुत सॉफ्ट है, मुझे बिल्कुल सेट हो जाएगा। चतुरंगणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, बिल्कुल ठीक है बेटा। चतुरंगणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना शस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। क्या बात है, वाह। तालियां घनीभूत कीजिए। वाह 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 वाह। मुझे लगना चाहिए पूरा सभागार भरा हुआ है। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। भीष्म पिता ने भी माधव की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वो भीष्म पिता जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो भीष्म पिता जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो भीष्म पिता जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो भीष्म पिता जिनके सारे सर स्वयं काल की ही गति थे, वो भीष्म पिता जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो भीष्म पिता जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो भीष्म पिता जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो भीष्म पिता जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए। जब कोई जब तक कसम नहीं खाएगा आप कैसे कसम तोड़ेंगे, क्यों बाबू जी? यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए। भीष्म पिता के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा। रोहिणी वाले मेरे दोस्तों, अब संभालिएगा पंक्तियों को, मैं बहुत ध्यान चाहूंगा भाभी, बहुत मन चाहूंगा पूरे सदन का। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी, दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था भीष्म पिता ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया।
प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। संभव है कि मुझ बालक को भी उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुलाकुल अर्जुन के मुख को देखा। दो पंक्तियां आज सुशील बाबू आपके प्रेम को सौंपता हूं, और लगे कि मैंने गीता का सार एक पंक्ति में कह दिया है तो पूरे सदन की भरपूर तालियां चाहूंगा। अर्चना भाभी बहुत प्रेम चाहूंगा आपका, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुलाकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओ। युद्ध चाहे राजनीति का है, चाहे व्यापार का है, चाहे प्रेम का भी है, वो भी जीतना पड़ता है। भाई के प्रति आपने कहा कि इतने दिन 50 साल गुरु को जिया, 18 साल भाई को जिया, मुझे लगा आपने पूरा महाकाव्य कह दिया एक पंक्ति में। इसलिए कहना चाहता हूं, बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। और राजेश बाबू, 35 साल से मेरे तो कवि सम्मेलन का शुभारंभ देखा आपने। लोग कहते हैं कभी कई बार जोर से बोल के अपने प्रस्तुतिकरण से ताली बजवा लेते हैं, मैं दो पंक्ति बहुत धीमे बोलता हूं। या तो तालियां मत बजाना, और बजाने का मन करे तो ऐसी बजा देना कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के दरबार तक पता लग जाए कि अनिल मित्तल जी को याद करके हम प्रशांत विहार में कवि सम्मेलन कर रहे हैं। सुनिएगा, बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना। एक बार हाथ उठा के बजा दीजिए, मुझे लगेगा कि मैंने अनिल बाबू के कहने पर एक सही कविता आपके बीच गणेश भैया। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका, और रोकते ही पहले ये काम किया। 15 दिन तक सोचा भाभी क्या हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में। अंजू भाभी बता देना भाई साहब को जाकर कि याद किया कई बार मैंने उन्हें। रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करता हूं, आप पंक्ति समझे। भीष्म ने रथ तो अर्जुन को देखकर रोका, फिर अर्जुन को तो नजर भी नहीं उठा के देखी, तू क्या चीज है, तीर तो तुझसे चलने हैं, पर युद्ध आज कृष्ण के साथ है, माधव के साथ है। इसलिए रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। अर्जुन को नहीं, माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया, अर्जुन को आशीष दिया, छल की आंखों को मीच लिया, और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा, जब प्रत्यंचा को बिजली कड़की, सैनिक बोले, डर करके भागो भागो, शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को। रत्नाकर में उठी हिलोरे, नील गगन छुआने को, शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा, प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल। अरे सम्मान सार्थक कर दिया भगवान, दोनों हाथ उठाकर एक बार जिंदाबाद कविता, जिंदाबाद है भाई, वाह वाह वाह, हर हर बम बम बोल दिए। अरे
बहन के स्नेह की माला तो गले में होनी चाहिए। मेरे गुरुजी कुंवर बेचैन बहुत बड़े कवि थे। मैं कोई कवि नहीं मानता अपने आप को, कवि होना बहुत बड़ी चीज़ है। कोई कुछ भी घोषित कर दे मैं कौन कवि हो गया, पर गोस्वामी जी को आज याद किया हमने सुबह, तुलसीदास जी को कवि कुल गुरु। लेकिन गुरुजी एक ही बात मुझे बोलते थे कि युद्ध का वर्णन करना है तो बेटे ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करना। मेरे प्रशांत विहार के दोस्तों, सुशील जी, यदि आपको लगे कि शब्द के माध्यम से युद्ध की ध्वनि एक सेकंड के लिए, सेकंड के सौवें हिस्से के लिए मैंने इस सभागार में पैदा कर दी, तो उस शब्द की शक्ति के लिए पूरे सदन की तालियां बजनी चाहिए, अनिल के प्रेम के लिए बजनी चाहिए, मंच की गरिमा में उपस्थिति के लिए। सुनिएगा, सुनाता हूँ कैसा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। बहुत ध्यान से सुनिएगा और दिल तक बात पहुंच जाए तो मुझे ऐसी तालियां, ऐसी मोहब्बत दे देना जैसी आज तक नहीं मिली 27 साल में। मैं बहुत रुक कर सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन, कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश चकराने से गज करते थे गर्जन, घायल घोड़ों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क, घनन घनन घनघोर घटा गिरती जाती थी छन छन में, बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में, उद्यंड चंडनी चंडी माँ के, उद्यंड चंडनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। प्लीज जाइएगा मत एक भी श्रोता। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े, उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पिता मह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन, महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़, दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरड़ गरड़, चीखें गूंजी थी धरती पर चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन। राजेश जी आज तक नहीं सुनी होगी ये पंक्ति। आज हम दो लोगों का अभिनंदन हुआ तिरंगा सम्मान, मेरे गुरु ने कहा मृत्यु का अभिनंदन। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था, महासमर में महारथीगण कटकर जब जब मरते थे ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे, रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी, उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसी वीर की शोणित धारा से तलभू का लाल हुआ, इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती। प्रणाम करता हूं जिस मन से आप सुन रहे हैं। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी, बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो, उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो, पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया, अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, सारी ऊर्जा एकत्र करिएगा और कविता के क्लाइमैक्स पर बहुत एक एक श्रोता का मन चाहूंगा। गांडीव छूट गया, पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा, क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया, माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी, उनको देखा धनुष रखा और दादा मन में फूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए।
अरे उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। नियम था ना, एक अस्त्र रख देगा तो दूसरा वार नहीं करेगा। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए? पूरी सेना बोल उठी कि बोलो होकर के निर्भय, एक बार संभिल कर बोलो, बोलो पितामह की। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के बंधन को यमुना जल बढ़ आता हो, शेष नाग जिनकी रक्षा ही तपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें, नाग कालिया के फन पर भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दें, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो। अनुप्रास अलंकार तो सभी ने पढ़ा है, अगली पंक्ति में और संभालिएगा। और छंद के बड़े उस्ताद बैठे हैं, भंग नहीं होने दिया छंद। सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर हो। अरुणा जी, जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया? एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद समापन कर रहा हूं। उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया? यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा। भीष्म पिता की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, एहसास था कि गलत पक्ष में खड़ा हो गया। भीष्म पिता की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए। अगली पंक्ति समझ जाए तो तालियों से विदा कर दें, अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए।